भैया की जगह से ताज बहुत अच्छा पहन रहा है, सुभान अल्लाह। अमीर शहर का दरबार छोड़ देते हैं, वो सोने चांदी की दीवार छोड़ देते हैं, उन्हीं के सर पे चमकती है चिश्तियां पगड़ी, जो इसके बाजा में दरबार छोड़ देते हैं। और मैं हूं फकीरे कादरी है नाम सरफराज, झोली में मेरे गौस के नादैन डाल दो, नाज़रीन। बशुक्रे खुदा अल्हम्दुलिल्लाह, तीन रोज़िया है जो संदल और उसकी कार्रवाई थी, मनासिबे संदल थी, ये कार्रवाई आज बरोज हफ्ता शब 17 तारीख जून के 17 तारीख 2023 को आज के इस साल की ये इख्तितामी मजलिस है, जिसमें कवाली का प्रोग्राम अपने शानदार तरीके से हो रहा है, जिसमें कई सामईन मसरूर होकर कव्वाली का लुत्फ़ ले रहे हैं और अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें पुरबहार मौसम दिया, जिस मौसम के होते हमने तीनों दिन की कार्रवाई बशुक्र खुदा बहुत अच्छी मनाई और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी बरसात भी नहीं रहा, कोई तकलीफ़ भी नहीं रही। मैं आपके इन चैनलों के ज़रिए से मैं तमाम हमारे अहलियाने मोहल्ला का और किराएदारान का, जिन्होंने हमारे साथ साथ हमारी हिम्मत बने रहे और हमारे साथ काम किया और सपोर्ट किए, उनका और ख़ास कर पुलिस डिपार्टमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक का, और सबसे अहम जो हमारे MLA जनाब रिजवान रशद साहब है, उनका मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हर इंतज़ाम में हमें कदम ब कदम साथ दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आज की हमारी नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मगरिब से लेकर ईशान तक अली जनाब इश्तियाक अहमद साहब, वार्ड 92 के साबिका फरीदा इश्तियाक साहब जो वार्ड 92 के साबिका कारपोरेटर हैं, उन्होंने वेज खाने से आने वाले तमाम ज़ारीन को सैर किया, खिलाया, मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ। और हमारे खाजा ग्रुप के जनाब फसी बेग साहब और उनके फर्जदान जो पिछले महीने से लगातार दरबार की खूबसूरती बढ़ाने में लगे थे, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी ये कोशिश भी अल्लाह ताला कबूल करे। और मैं इस मौके पर ये बात यहाँ हमारे सैयद जमील साहब जो सामाजिक कारकुन हैं और हमारे तमाम कामों में बहुत उम्दा साथ दिए हैं, उनका, सैयद शुजाउद्दीन साहब का, जनाब शकील अहमद साहब कॉर्पोरेटर भारती नगर का और कई अहबाब जो हमारा साथ दिए हैं। मैं छोटी सी क्लिप है, यह सबका नाम नहीं ले सकता, मजलिस मुंतजिमा की जानब से मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ और तमाम मीडिया पार्टनर जिन्होंने हमें हर कदम पर साथ दिया और हमारी बात आवाम तक पहुंचाई, मैं आपका भी मशकूर और ममनून हूं, शुक्रिया। और आज की जो ये तीसरे दिन की मजलिस है कव्वाली की, वो इख्तिताम पज़ीद है, अब थोड़ी देर के बाद वो भी इख्तिताम होगी
मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात यह है कि निशान के दिन मस्तान फैरोज, सादत हुसैन, वो ग्रुप थी जिन्होंने लंगर का इंतज़ाम किया था। उसके बाद दूसरे दिन की जो कार्रवाई थी, उस दिन जो है हमारे मन्नू भाई और गौस मुर्शद, इनका इंतज़ाम था लंगर का। आज तीसरे दिन जो है हमारे फरीदा इश्तियाक साहब, जो एक्स कारपोरेटर वार्ड 92 हैं, उनका और हमारे माजिद, बाबू, सादत, नयाज, ये अहबाब, इनका लंगर था। मैं उनका भी मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने बुज़ुर्ग की कार्रवाई में खिदमत करके अपने मुकद्दर सवार लिए, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह इनका अच्छा नेमुल बदल दे। और तमाम कमेटी की तरफ से मैं आप तमाम का मशकूर ममनून हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक की एक मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत कंबल शाह खादरी का संदल और उर्स हाई, यहाँ की मुंतजिमा कमेटी ने दो दिन का एक इजलास मुनक़िद किया है। आज का दूसरा दिन है, कल संदल और उर्स हुआ है। ये हजरत कंबल शाह दरगाह खादरी की दरगाह जो है कर्नाटक की एक मशहूर दरगाह है। हमारी मैनेजिंग कमेटी बड़े ही हुस्नो सलूक के साथ इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। आज जो यहाँ पे ख़वातीन का इंतज़ाम किया गया है, मैं समझता हूँ यहाँ जो लोग जमा हुए हैं उर्स और ख़वातीन के लिए, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। उसके मौके पर काफ़ी लोग यहाँ जमा हुए थे, आज ख़वातीन सुनने के लिए भी काफ़ी लोग आए हैं। ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज भी जो है वो लोग शहर बेंगलोर के लोग जो है ख़वाली में दिलचस्पी रखते हैं और बुजुर्गान दीन की अहमियत समझते हैं और उनकी अजमत को समझते हैं। यहाँ की कमेटी जो है जिस तरीके से यहाँ इंतजाम की है और इनका आइंदा जो है अल्लाह बहबूदी के ये करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस इंतजाम के लिए जो कुछ भी अकदाम उठाए हैं, ये मुबारक के हकदार हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या हुकूमत की जानिब से हो या उर्दू अकेडमी की जानिब से हो, उर्दू को बाकी जिंदा रखने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए? ये उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए ना हुकूमत जिंदा रख सकती है ना कोई अकेडमी जिंदा रख सकती है। उर्दू जबान को सिर्फ उर्दू बोलने वाले जिंदा रख सकते हैं। आज आपने यहाँ देखा जो बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद है जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ख़वाली सुनने के लिए, उर्दू सुनने के लिए आए हैं। वो उर्दू से मौजूदा हालात की वजह से दूर हैं, क्योंकि आज जो है माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल उर्दू से दूर है, लेकिन वो उर्दू से नफरत नहीं करते, उनको उर्दू से मोहब्बत है। यकीन मानिए उर्दू जो है कभी ख़त्म होने वाली ज़बान नहीं है। उर्दू के चाहने वाले हैं, ये ज़बान कभी खत्म नहीं होगी।